टाइगर्स जो एक बेहद ही शानदार शिकारी जानवर होते हैं और बड़ा शिकार करने में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है, पर कभी कभी उनकी यही खूबी इंसानों के लिए जानलेवा भी बन सकती है। आज जो कहानी मैं आप सबको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी ही टाइगर की है जो इंसानों और पालतू पशुओं को ही अपना शिकार बनाने लगा था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वो एक मैन ईटिंग टाइगर था जिसका नाम था द मैन ईटिंग टाइगर ऑफ जूका। लेकिन बाद में लेजेंडरी हंटर जिम कॉर्बेट उस टाइगर को मारने आए, पर क्या जिम कॉर्बेट उसका शिकार कर पाए और आखिरकार क्यों ये टाइगर मैन ईटर बन गया था, जानेंगे इस वीडियो में। वेल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। चूका का यह आदमखोर टाइगर एक मेल बंगाल टाइगर था जो थाक नाम के गांव जो कि लक्षा वैली में मौजूद है वहां के तीन लड़कों के मौत का जिम्मेदार था। ये हत्याएं साल 1937 में हुए थे और मवेशियों में तो इसका खौफ इतना ज्यादा बैठ चुका था कि लोग अपने जानवरों को चरवाने के लिए जाने से भी डरने लगे थे। मैन ईटर बनने से पहले चूका का यह आदमखोर टाइगर उन लोगों पर हमला कर दिया करता था जो चूका गाँव से कोटी कांदरी गाँव में सफर किया करते थे। 1936 से लेकर 1937 के दौरान इस टाइगर का आतंक अपने चरम पे था। एक बार की घटना यह थी कि एक गांव वाला अपने बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने गांव वापस आ रहा था, लेकिन सफर के बीच में ही चूका का यह आदमखोर टाइगर सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी जानता था कि टाइगर उसके बैलों के लिए आया था। इसके बाद उसने वो किया जो करने के लिए एक फौलादी जिगरा चाहिए। दरअसल वो आदमी सीधा टाइगर और अपने बैलों के बीच आकर खड़ा हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके दो बैल गांव की ओर भाग गए और उनकी जान बच गई। अब वो आदमी टाइगर के बिल्कुल सामने था और तो और कोई भी उसकी मदद करने के लिए भी मौजूद नहीं था, और देखते ही देखते टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। पर आदमी ने अपने कंधे पे एक हल लिया हुआ था जिसकी मदद से उसने टाइगर पे हमला किया। उसके हमले की वजह से टाइगर थोड़ा पीछे हट गया और इसका फायदा उठाते हुए वो आदमी भाग कर अपने गाँव में चला गया। हालांकि उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन टाइगर ने उसकी राइट शोल्डर पे एक बहुत ही गहरा घाव कर दिया था जिससे वो जीवन भर कभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया था। इसके कुछ हफ्तों बाद ही उसी सेम रास्ते से दो आदमी जा रहे थे और तभी उनके भी सामने वो टाइगर आ गया। वो लोग चिल्लाने लगे जिससे टाइगर भाग जाए, लेकिन टाइगर ने उनमें से एक आदमी पर हमला कर दिया। पर उस आदमी ने अपने पीठ पे एक शक्कर की बोरी ली हुई थी और वो टाइगर के मुंह में वही बोरी आ गई। इससे हुआ ये कि वो टाइगर बस शक्कर की बोरी लेकर जंगल में भाग गया और उस आदमी की जान बच गई। अभी तक तो टाइगर के हमले में किसी की भी जान नहीं गई थी, लेकिन एक दिन ये सब बदल गया। दरअसल जनवरी 1937 के एक दिन सात आदमी और दो लड़के अपने पालतू जानवरों को चरवाने के लिए निकले थे। दिन के लगभग 10 बज रहे थे और तभी सारे जानवर जंगल की तरफ जाने लगे। उन्हें वापस लाने के लिए उनमें से एक लड़का उनके पीछे पीछे जंगल में गया, लेकिन तब तक टाइगर ने ऑलरेडी एक छोटे बछड़े को अपना शिकार बना लिया था। जब टाइगर बछड़े को अपने साथ ले ही जा रहा था तभी वो लड़का उसके पास पहुंच गया और इसके बाद उस टाइगर ने इस लड़के को भी जान से मार दिया और इसके आधे बॉडी को भी खा गया। टाइगर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन फिर बहुत देर के बाद एक जानवर जिसका नाम काकर होता है वो घटना स्थल पर आ गया, जिसके बाद उसने खूब आवाज निकाली जिससे वो सारे आदमी जो उस लड़के के साथ आए हुए थे वो भी चौकन्ने हो गए। दरअसल वो सो गए थे और जब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि सारे जानवर वहां नहीं थे तो उन्होंने उस लड़के को जंगल में भेजा जिससे जानवरों को वापस लाया जा सके। लेकिन जैसे ही वो दूसरा लड़का भी जंगल में गया, टाइगर ने उससे भी मार दिया। इससे सारे जानवर भी डर के भागने लगे, लेकिन फिर टाइगर उनके पीछे दौड़ पड़ा और फिर जानवर भागते भागते उन आदमियों के पास पहुंच गए और वहीं पे उस टाइगर ने सबके सामने ही एक जानवर का शिकार कर लिया। इससे सारे आदमियों की चीख निकल गई और वहां सारे गांव वाले भी आ गए। सबसे पहले दूसरे लड़के के माता पिता ने अपने बेटे को जंगल में मरा हुआ पाया और फिर पहले लड़के के माता पिता ने जब यह देखा कि उनके बेटे का केवल आधा शरीर ही बचा हुआ था, इसे देखकर उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेजेंडरी हंटर जिम कॉर्बेट के अनुसार वह पल जब पहला लड़का उस टाइगर के खाने के वक्त वहां चला गया था, उसी पल ने उस टाइगर को एक मैन ईटर बना दिया था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के कई अधिकारियों के साथ बहुत से शार्प शूटर जंगल में उस टाइगर को मारने गए, लेकिन वो टाइगर इससे भी बच गया। और इसके बाद एक दिन जब दो अनाथ भाई अपने जानवरों को चरवाने आए थे, तब उनकी एक गाय जंगल में चली गई और जब उसे लेने के लिए दोनों भाई जंगल में गए तभी टाइगर ने बड़े भाई को दबोच लिया और उसे अपने साथ जंगल में ले गए। उसका भाई गांव वालों की मदद लेकर तुरंत ही वापस जंगल में गया, लेकिन उसके भाई की बॉडी नहीं मिली। ये लड़का उस टाइगर का आखिरी इंसानी शिकार था। इसके बाद लेजेंडरी हंटर जिम कॉर्बेट खुद इस टाइगर का शिकार करने के लिए आए।
पांच दिनों तक लगातार उस टाइगर को भैंसों का लालच दिया गया और पहले चार दिन वो टाइगर नहीं आया, लेकिन पांचवें दिन वो भैंसों के पास आया और जैसे ही वो वहां पहुंचा तुरंत ही उस पर लगातार गोलियां चलाई गई, लेकिन वो टाइगर इससे भी बच निकला। इसके कुछ दिनों के बाद यह खबर आई कि एक बफेलो जो सूअरगढ़ के पास बांधा गया था उसे टाइगर ने अपना शिकार बना लिया था। जब कॉर्बेट वहां गए तो उन्होंने टाइगर की आवाज़ सुनी और कुछ देर में उसे देखा भी, जिसके बाद उन्होंने उस टाइगर पर गोली चलाई, लेकिन इस बार भी वो टाइगर उनसे बच ही निकला। लेकिन इसके बाद भी कॉर्बेट ने हार नहीं मानी और एक दिन जब टाइगर ने एक भैंसे को मारकर छोड़ दिया था तभी कॉर्बेट वहां गए और वहीं पास में एक पेड़ पर चढ़कर उसका इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद वो टाइगर वहां आ गया और पेड़ पर से कॉर्बेट ने उस पर गोलियां दाग दी। पहले गोली ने टाइगर की कमर तोड़ दी और फिर दूसरी बार के हमले में तो उन्होंने उस टाइगर की जान ही ले ली। बाद में कॉर्बेट ने जब उस टाइगर की डेड बॉडी के करीब से देखा तो उन्होंने देखा कि टाइगर की एक दांत टूट चुकी थी और उसके शरीर पे भी गोलियों के कई जख्म मौजूद थे। इन सब के बाद कॉर्बेट ने यह कंक्लूजन निकाला कि इन सब जख्मों के साथ साथ उस पहले लड़के वाले इंसिडेंट की वजह से ही चूका का यह टाइगर मैन ईटर बन चुका था और इसने इस कदर आतंक मचा रखी थी। दोस्तों यह थी कहानी चूका के मैन ईटिंग टाइगर की। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। गाइज मैंने ऑलरेडी बहुत से मैन ईटिंग एनिमल्स पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।